हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही टेस्टी कढ़ी पकौड़ा हम कैसे अपने घर में बना सकते हैं विद इक्वली ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो एक बड़ा मिक्सिंग बोल लेंगे हम और उसमें हम डालेंगे 3.5 बड़े चम्मच मोटा बेसन, यानी कि 3.5 टेबल स्पून मोटा बेसन लेना है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और एज पर टेस्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ स्टैंडर्ड स्पून्स लिए हैं फॉर मेजरमेंट। अब लेंगे हम 1 कप दही, अगर खट्टी है तो बहुत अच्छी बात है, 2 ग्रीन चिलीज, 1/2 अनियन जिसको मैंने छल्ले में काटा हुआ है, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें गार्लिक एंड अनियन एकदम ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। याद रखिए पानी गुनगुने से 1 नंबर तेज होना चाहिए, इससे कढ़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो 2 कप पानी डालने के बाद पहले हम थोड़ा सा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाकी का पानी अब हम बाद में डालेंगे। तो अब हम यहाँ 1 कप पानी और डाल रहे हैं, तो टोटल इसमें मैंने 3 कप पानी डाला है। इतनी ही पतली आपको कंसिस्टेंसी रखनी है बिकॉज कढ़ी को हमें बहुत कड़ाना है, तो ये अपने आप जब कड़ेगा तो गाढ़ा हो जाएगा। अब हमें कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी लेंगे, उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून मोटा राई, 1/4 टीस्पून साबुत हरा धनिया एंड 2 ड्राइड रेड चिलीज। इसमें जो साबुत धनिया मैंने डाला है दैट इज़ ऑप्शनल, अगर आपको मुंह में नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अ पिंच ऑफ हींग, 30 सेकेंड्स हम इन मसालों को सौते कर लेंगे एट लो फ्लेम। फिर लो फ्लेम पर ही आपको इस कढ़ी के सॉल्यूशन को इसमें डालना है ताकि आपका दही फटे ना, और डालने के बाद इमीडिएटली इसे गोल गोल चलाना है। थोड़ा सा चलाने के बाद आप फ्लेम मीडियम कर दीजिए और इसे कंटिन्यू चलाते रहिए, और साइड में जब आप थोड़े से बबल्स नोटिस करेंगे तो उस स्टेज पर आप अपनी फ्लेम हाई कर दीजिए और एक बॉयल आने तक का वेट कीजिए। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें गैस हल्की कर देंगे और इसको अब हम अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। लो फ्लेम पर आपकी ये साइड में अच्छे से पकती रहेगी। तो मीनवाइल हम बना लेंगे अपनी अब पकौड़ियाँ। तो पकौड़ियों के लिए मैंने 1/4 कप दही में 1/4 टीस्पून हल्दी ली है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक एज पर टेस्ट एंड जीरा पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप पालक, 1/2 कप मेथी, 1 मोटी मिर्च और 1 हरी मिर्च, 5 बड़ी चम्मच बेसन। पत्ते इसमें डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बिना पत्तों के भी आप बना सकते हैं। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच पानी डाला है, इतना ही पानी काफ़ी है पकौड़ियों का घोल बनाने के लिए। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब पकौड़ियाँ हमारी एकदम फोकी बने और बहुत अच्छी बने तो मैं यहाँ डालूँगी 1/4 टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट। इससे बहुत ही बढ़िया आपकी पकौड़ियाँ बहुत हल्की बनेंगी। बस इसे डालने के बाद हम एक तरफ हमने अपना तेल गरम करा हुआ है कढ़ाई में, तो बस इसको मीडियम और हाई फ्लेम पर अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे। जब आप इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे तो ये नीचे से ऊपर आनी चाहिए, अगर ये नीचे से ऊपर अपने आप तेल में आ जाती हैं दैट मीन्स आपकी पकौड़ियाँ एकदम बढ़िया बनने वाली हैं, बहुत हल्की बनने वाली हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी यहाँ पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। सो इट्स नाइसली डन, बहुत ही सॉफ्ट हैं।
अब यहाँ हमारी जो कढ़ी आधे घंटे से पक रही थी, हमने उसे बीच में थोड़ा थोड़ा चलाया है एक एक दो बार। अब इसमें हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़का डालने से कढ़ी सुंदर भी लगती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो बहुत इजी तरीके से तड़का तैयार करेंगे। तो एक बड़ा चम्मच घी लेंगे, उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून जीरा। अब मैं इसमें डालूँगी 10 से 12 कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते एकदम ऑप्शनल है, अगर आपका फ्लेवर है तो आप डालिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अब 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ देगी मिर्च डाली है फॉर दैट नाइस कलर। ये डालने के बाद इमीडिएटली आप अपनी कड़ी में इसे डाल दीजिए एंड दैट्स इट, योर अमेजिंग कड़ी इज़ रेडी। पकौड़ियों को खाने से 10 मिनट पहले ही कड़ी में डालिए और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए।